है बस छोटी छोटी। बहुत दिनों से मेरा मन था और आसपास मैं सबको बोल भी रहा था कि बस कहीं नेचर के पास, नेटवर्क से दूर और ज़िंदगी के सुरूर में जाके रहने का मन है, बिल्कुल अकेले, लाइक ए न्यू लाइफ। तो बस आ गया यहाँ। और इस नए तजुर्बे के कुछ हिस्से इन वीडियोस से आपको भी दिखा रहा हूँ। मुझे कुछ दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए एंड लाइफ जो शहर में होती है और जो यहाँ गांव में है एंड स्पेशली माउंटेन्स के गांव में है वो बहुत डिफरेंट होती है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे सिटी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट यहाँ पर आई एम नॉट इवन यूजिंग सोशल मीडिया और एनीथिंग, आई एम टोटली ऑफ ग्रिड, बट यहाँ पर यू डोंट हैव टाइम टू यूज़ इट बिकॉज यू डोंट गेट एनीथिंग ईजीली। तो आपका जो सर्वाइवल है, आपको सब्जी, दूध, दही, हर चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट हैव समथिंग तो वो भी आपके आसपास नहीं है कि आप नीचे गए, अपनी गाड़ी उठाई और आप लेके आ गए, आपको किलोंग जाना पड़ेगा, दैट इज़ लाइक 10 किलोमीटर्स और समथिंग फ्रॉम गुशाल। और बहुत बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मुझे इतना टाइम हो गया रहते हुए, बीच में मैं वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ अबाउट वॉट एम आई डूइंग। ऑल द फार्मिंग बहुत डिफिकल्ट है ऑब्वियसली बिकॉज यू डोंट नो, और मैंने तो कभी नहीं करी लाइफ में, तो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। अभी तक मैंने ट्रैक्टर चलाना नहीं सीखा है, बट कुछ मशीन्स और कुछ जो नॉर्मल हाथ वाला काम होता है वो मैंने सीखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्सो जिनके साथ मैं रुका हुआ हूँ, काकू भाई, ही इज़ सच अ नाइस गाय और ही इज़ हेल्पिंग मी, तो उनके साथ अब मुझे काफ़ी लोकल वाली फीलिंग आ रही है। आई मेड सम लोकल फ्रेंड्स ऑल्सो, तो मैं आसपास घूम के सारी काम वाम करता रहता हूँ, अपनी सब्जी काटो, अपना खाना बनाओ, सब कुछ आपको खुद से करना है। तो लाइफ इज लाइक दैट हियर एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी पीसफुल। सुबह कब होती है, शाम कब हो जाती है, कब मैं सो जाता हूँ, आई डोंट गेट एनी टाइम। मुझे इतने दिन हो गए बट आई एम नॉट रियलाइजिंग। सो या आज भी कुछ चीज़ें हम करने वाले हैं। आज सुबह उठे तो रिचुअल होता है कि भाई आपको पानी चाहिए, आपको पानी मैनेज करना है, आपको बाथरूम में पानी चाहिए, बाथरूम में पानी मैनेज करना है। ऑल दो काकू भाई इज़ एन इंटरनेशनल विलेजर, उनका जो सेटअप है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, दैट इज़ फ्लाइंग मंक, उसमें इतने अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, लाइक इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स। सो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, फ्रॉम गीज़र टू इनफैक्ट द किचन दैट आई एम यूजिंग विद काकू भाई, जो काकू भाई का किचन है उसमें यू विल फाइंड एवरी थिंग, लाइक ऑल काइंड ऑफ सॉसेजेस, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, बिकॉज हम काकू भाई के पीछे जो गार्डन है वहाँ पर वो इंग्लिश वेजीज भी खुद ही उगाते हैं। तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं तो ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एक्चुअल, वहाँ पर रहकर फील कर जाकर देख कर, तो कई बार हम आ जाते हैं चीज़ें, बट या इट फील्स रियली नाइस टू बी हियर। सो आज भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, फिर कुछ और दिन बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो आप देखते रहिए। हाय, ये छोटे काकू भाई है। तो आज है हमारे छोटे काकू भाई यानी कि काकू भाई के बेटे अर्शिफ का बर्थडे। अर्शिफ एक बहुत ही शांत, अच्छा, येट सो क्यूट बच्चा है जो आप देख सकते हैं। और आज हमने सुबह सुबह सारे काम जल्दी निपटा लिए क्योंकि आज का दिन हम एंजॉय करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर काकू भाई, तो इसलिए मेरे लिए भी है, तो आज हम सब एंजॉय करने वाले हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Arshiv, happy birthday to you. सो रिचुअल, जो बर्थडेज यहाँ सेलिब्रेट होते हैं गुशाल में, वहाँ सुबह सुबह पूजा होती है, देन फैमिली एंड फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होता है, देन यू कट द केक,
पूजा होती है, लिकर एंड एवरीथिंग, ये एक रिचुअल है गोशाल का। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है यहाँ पर। It's raining now, but I know it's just a matter of time. Let it pour. It's raining good. सो आज सुबह से बारिश हो रही है, डोंट थिंक हम कोई काम कर पाएंगे, बट मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया एंड आई एम रीडिंग दिस बुक करेज बियॉन्ड कंपेयर। बेसिकली यहाँ पर अभी ऑफ सीजन हो रहा है, आई मीन खेती हो चुकी है, फसल निकल रही है और वो बेचने के लिए बाजार में जा रही है। तो मैंने गोभी की खेती करी, आलू की खेती करी, गाजर की खेती करी, बट इस बार मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा मैं कुछ कर पाऊँगा बिकॉज मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है एंड आज तो स्नोफॉल भी हो सकता है, ठंड बहुत ज़्यादा है। आई मीन अभी -2 degrees समथिंग इज़ द टेम्परेचर और रात में तो और ज़्यादा होने वाला है। लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। जस्ट एक छोटी सी नैप लेके मैं उठा एंड सन इज़ हियर। मौसम बहुत खतरनाक तरीके से रुख बदल रहा है। इस पूरे गार्डन में जो आपको बीच में क्लीन दिख रहा है वहाँ से हमने गाजर निकाली है, बाकी सब ऑलमोस्ट हो गया है एंड ये लगे हैं सेब। सेब भी ऑलमोस्ट पक चुके हैं तो इनको एक दो दिन में निकालेंगे। सो गोशाल आने का जो रास्ता है दैट इज लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम इंदौर, सो इंदौर टू दिल्ली, देन दिल्ली टू मनाली एंड देन टू लाहौल वैली बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट विलेज ऑफ लाहौल वैली। सो आप अगर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन, सो आप ट्रेन लेके दिल्ली एक दिन लगेगा आपको एंड देन यू कैन स्टे इन दिल्ली और डायरेक्टली लीव द सेम डे एंड दिल्ली से मनाली एंड देन फिर मनाली से इट्स अराउंड 60 kilometers। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था वॉज विथ श्रेयसी, सो हमने जिप्सी रेंट करी थी, बट इस बार मैंने कुछ एडवेंचर किया, मैंने हिमाचल रोडवेज की बस बुक करी और वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वही एक सोर्स है एंड देन देर इज़ अ शेयरिंग टैक्सी, वो भी गोशाल तक कुछ नहीं लाता, यू नीड टू गेट डाउन एट दी तांडी ब्रिज, जो तांडी एक विलेज है यहाँ पास में वहाँ पर एंड देन यू कैन कम टू गोशाल। सो मैं ऐसे आया एंड HRTC की बस ने जस्ट 140 rupees में यहाँ इतना दूर का सफ़र तय कर दिया एंड इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था रोडवेज़ की बस में ट्रैवल करने का बिकॉज बहुत ही अच्छे नज़ारे थे आसपास। तो 2 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं चला बिल्कुल भी एंड इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। दिस विलेज गोशाल इज़ नोन एज द विलेज ऑफ द फ्लाइंग मंक बिकॉज ऐसा बोलते हैं, जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं वहाँ एक मंक रहते थे जो मेडिटेशन अपना ध्यान करते थे वहाँ पे एंड उनने इतनी सारी एनर्जी गैदर कर ली थी दैट ही स्टार्टेड फ्लाइंग। तो वो यहाँ आसपास पहाड़ों पर फ्लाई करते थे। आफ्टर हिम काकू भाई गेव हिज होम स्टे दिस नेम लाइक फ्लाइंग मंक हट्स एंड रेस्टोरेंट। सो मेरे लिए गोशाल के फ्लाइंग मंक तो काकू भाई हैं बिकॉज ही इज़ लाइक आई रिलेट टू इट बिकॉज ही इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड इंडिविजुअल। वो कभी गोशाल के बाहर नहीं गए एंड दिल्ली एक बार गए, गोवा एक बार गए, उसके अलावा वो कहीं नहीं गए। इनफैक्ट लाहौल वैली में भी बहुत सारी जगह वो नहीं गए। ही हैज़ ऑलवेज लिव्ड इन दिस विलेज। उसके बाद भी ही सो इंटेलिजेंट, इतना इन्फॉर्मेशन है उनको, इतनी जनरल नॉलेज एंड IQ इज सो हाई एंड ही इज़ एन इनक्रेडिबल शेफ। आई मीन यू जस्ट आस्क एनीथिंग यू विल फाइंड इट हियर एंड मुझे लगता है कि गोशाल में ये स्टे पॉसिबल, ऑब्वियसली कंडीशंस आर रियली हार्श हियर, जैसे अभी मैं मुझे आदत हो गई है तो -1 में भी मैं
आराम से खड़ा हुआ हूँ, बट देन शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है एंड इमेजिन विंटर्स में तो -29 तक टेम्परेचर जाता है. इतनी रफ सिचुएशन में, इतने आइसोलेटेड विलेज में ही हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो ठीक हैं. ही हैज़ अ फैसिलिटी ऑफ सोना इन एट हिज प्लेस. आई मीन इवन इट्स नॉट ईजी टू फाइंड आउट सोना इन सिटीज़, और यहाँ पे इतनी आइसोलेटेड विलेज में, और सोना भी ऐसा वैसा सोना नहीं, दैट इट्स नॉट अ नॉर्मल सोना. ही गॉट द स्टोन्स जो सोना के लिए हीटेड अप होते हैं, वो ही गॉट इट फ्रॉम फिनलैंड. उनके एक फ्रेंड रहते हैं तो उनने उनको हेल्प करी एंड ही गॉट इट फ्रॉम फिनलैंड. तो इतनी आइसोलेटेड विलेज में इतना ऑथेंटिक सोना एंड फिनलैंड से, बिकॉज फिनलैंड का सोना इज एक्सट्रीमली पॉपुलर. वहाँ के लोगों की तो लाइफ स्टाइल है, like a part of their lifestyle is doing sauna. So if you guys also want to come here, I'll attach his number in the description or after this video, so you can just give him a call. And yahan winters par sari cheeze band ho jati hain, because bahut extreme situation hoti hai, yahan ke log hi manali ya kullu shift ho jate hain, to winters mein aisa kuch nahi rehta hai. But again, if you wish to, so kaku bhai was telling me that peeche jo aap mountains dekh rahe hain, ye sare स्नो से कवर अप हो जाते हैं. सो जब ये स्नो से कवर अप हो जाते हैं तो काकू भाई पीछे स्कीइंग करते हैं. ही हैज़ हिज स्कीइंग बोर्ड एंड सारे इक्विपमेंट्स हैं, और नीचे तक जहाँ पे जो आपने चंद्रभागा नदी देखी, वो भी पूरी नदी फ्रीज हो जाती है सर्दियों में, तो वहाँ से लेकर वहाँ नीचे तक ये लोग स्कीइंग करते हैं. सो इट्स अमेजिंग, इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग टू नो कि इंडिया में भी इतना रॉ एडवेंचर है. We plan it and we go at safe places, but actually these kind of people discover these kind of adventures in life. And जो मेरे लिए adventure है इतने दिनों तक रहना या इतने दिनों ये सारी चीज़ें करना, वो उनके लिए everyday lifestyle है. And it's very, everything is like very normal to him. And this village and valley is so beautiful that if you come here, you are not going to regret, and you are not going to leave early as well. So you are supposed to, you will definitely stay here for some time. You cannot just come here for one day, and you are totally going to love this place. Think it's fair to be proud about it. I quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about